40 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करा है. ओके, अरेंज दिस मार्क्स इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क. अब आपको टैली मार्क यूज करके फाइंड करना है, राइट. अभी टैली मार्क बनाते हैं. तो फर्स्ट आपको देखना है कि सबसे लोएस्ट मार्क कौन सा है. 1 है, सबसे लोएस्ट 1 है ना. 1 से कोई कम नहीं है, 0 भी नहीं है इसमें, तो 1 है, राइट. और सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है. 9 है. 9 के बाद 10, 10 तो कोई भी नहीं. इसका मतलब हम 1 से 9 तक मार्क्स लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, समझ में आया इतना. अब टैली मार्क स्टूडेंट्स. ओके, नाउ टैली मार्क फर्स्ट हम यहां से ऐसे से जाएंगे. ओके, लेट्स से राइट जाएंगे. ओके, 8 अभी 8 का है. ये रहा 8. 8 के बाद 9 चल रहा है. 1 1 के बाद 9 3 7 7 का ये है 7 6 5 5 के बाद वापस 5 4 वापस 4 के बाद एक और लाइन 2 वापस 4 पिक है 9, राइट. 9 का नीचे रहा लाइन फिर 5 फिर 3 पिक है 7 1 6 5 2 7 अभी 7 फिर क्या है 3 है, राइट. 3 8 का पे ये 8 फिर 4 फिर 2 2 का है ये 2 8 9 5 अभी देखो 5 है ना. कहां पे हम लगते हैं यहां पे थे, राइट. अभी देखो जब भी 4 लाइंस आ जाए और 5th वाला लाइन आएगा तो आपको ऐसे कट कर देना 5th. तो ये ग्रुप 5 का बन गया. तो आपको सिंपल है, ऐसा ग्रुप होगा तो 5 5 काउंट करते रहेंगे आपको. ओके, देखो अभी 5 हो गया पूरा. अब 8 6 5 7 7 देखो यहां भी 4 है तो 5th वाला आएगा तो कट हो जाएगा, है ना. अब 4 देखो यहां भी वापस 4 आया तो यहां पहले से 4 लाइंस है तो 5th आएगा तो कट हो जाएगा. ओके, 5th 6 6 के बाद 9 9 के बाद 6 अभी देखो 6 के बाद भी 4 लाइंस है, राइट. तो 5th लाइन में 6 कट हो जाएगा. ओके, अब 4 वापस 4 6 आपके 6. ओके, अब जस्ट आपको काउंट करने के लिए लाइन से 1 2 1 2 3 1 2 3 यहां ये पूरा ग्रुप है यानी कट हो गया. समझ लो ये 5 का ग्रुप है और 6 7 ये 5 6 ये 5 का ग्रुप है 6 7 है ना. ये 5 का ग्रुप है 5 ये कितना है 4 और ये 3. ओके, कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको देखो 1 मार्क वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. 2 स्टूडेंट्स हैं. 2 मार्क वाले 3 स्टूडेंट्स हैं. 3 मार्क वाले 3 स्टूडेंट्स हैं. 4 मार्क वाले 7 स्टूडेंट्स हैं एज ऑफ. ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी टेक्स्ट बुक में. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन अ मार्क इक्वल और मोर देन 7. यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स आए हो. अब 7 मार्क्स के हैं, 7 से ज्यादा मार्क्स 8 और 9 है, राइट. तो 7 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. 8 है प्लस 5 और 8 वाले 4 स्टूडेंट्स हैं और 9 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं. तो कितना होगा प्लस करके देखो कितने स्टूडेंट्स हैं. आंसर 1. कितने स्टूडेंट्स हैं. 7 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं प्लस 8 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स हैं और 9 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, राइट. सो 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 10 11 12 मार्क्स. ओके, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स आए. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन अ मार्क बिलो 4. सेकंड क्वेश्चन है कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स बिलो 4 है यानी 4 से कम है. 4 से कम है तो 3 2 1 मार्क होंगे वो ना होंगे, राइट. बिलो 4 यानी क्या होगा. 3 मार्क्स होंगे यानी 2 मार्क होंगे या तो 1 मार्क्स होंगे, है ना. तो 3 2 1 मार्क्स किस किस के हैं. 2 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने स्टूडेंट्स हैं. 1 मार्क वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क वाले 2 स्टूडेंट्स हैं फिर 2 मार्क वाले 3 स्टूडेंट्स हैं फिर 3 मार्क वाले 3 स्टूडेंट्स हैं. 2 प्लस 3 5 5 प्लस 3 8 यानी 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 से भी कम मार्क्स आए हो. ओके, समझ में आया सबको. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज फॉलोइंग
पिक्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन फाइव विलेज. आपको यहाँ ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है राइट. देखो पिक्टोग्राम मीन्स पिक्चर से आपको बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, ये पिक्टोग्राम है, इसमें विलेज ए बी सी डी ई है और नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिए हुए हैं. नंबर ऑफ ट्रैक्टर मीन्स एक ट्रैक्टर कितने ट्रैक्टर के हिसाब से है. वन ट्रैक्टर है इसका मतलब ये वन ट्रैक्टर ही है. ओके बी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको आगे एक और क्वेश्चन लूँगी उसमें समझ में आ जाएगा. ओके ये आपको ध्यान में देना है. वन ट्रैक्टर मीन्स एक ट्रैक्टर दिया, उसका मतलब क्या है, एक ट्रैक्टर है. ओके अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच विलेज हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर. ओके मिनिमम मीन सबसे कम ट्रैक्टर किस में है देखना है आपको. ओके देखो यहाँ कितने ट्रैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर्स हैं. यहाँ 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स हैं. 1 2 3 है ना, 3 ट्रैक्टर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 ओके. अब सबसे मिनिमम पूछा है ना, सबसे मिनिमम मीन सबसे कम कौन से ट्रैक्टर में, सबसे कम कौन से विलेज में है, डी में. तो आंसर क्या आएगा हमारा, मिनिमम कौन से विलेज में है, डी में. ओके नाउ नेक्स्ट, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर मीन्स कौन से विलेज में ज़्यादा ट्रैक्टर्स है. अब यहाँ देखो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किस में, 6 5 देखो 8 ज़्यादा है ना, ए सी में 8 है, सबसे ज़्यादा सी में है. तो हमारा क्या आंसर होगा यहाँ, सी. ओके हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ कंपेयर टू द विलेज बी. यानी कितने ज़्यादा है सी में बी से, आपको बी से कंपेयर करा है, सी को बी से कंपेयर करा है और बताना है सी में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स है बी से, है ना. सी में कितने ज़्यादा है, देखो बी से यानी बी में कितने हैं, 5 है ना, और सी में कितने हैं, 8 है राइट. देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, सी में हमारे कितना है, 8 ट्रैक्टर्स हैं और हमारे बी में कितने थे, 5 ट्रैक्टर हैं. तो कितने ज़्यादा है बी से, कितने ज़्यादा है सी में, कितने और ज़्यादा है सी में. तो 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3. यानी बी से 3 और ट्रैक्टर्स किसके पास है, सी के पास है. तो 3 ट्रैक्टर्स किसके पास होंगे, 3 बी से 3 ज़्यादा है किसके पास, सी के पास. यानी 5 तो है और 3 ज़्यादा है किसके पास, सी के पास. ओके ओके नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल ऑफ द 5 विलेज. मीन्स आपको टोटल ट्रैक्टर फाइंड करने हैं. देखो कितने टोटल कितने हैं, फर्स्ट ए में कितने हैं, 6 है राइट. ए में 6 है, प्लस करते जाना आपको 6 प्लस. फिर बी में कितने हैं, 5 है राइट, 5. फिर सी में 8 है, फिर डी में 3 है और ई में 6 है. देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, प्लस कर दिया है कि 6 + 5 + 8 + 3 + 5 3 + 6. अब प्लस कर दो, 6 + 6 = 12 + 8 कितना होता है, 20. 20 + 5 = 25 + 3 = 28. ये मैंने इसलिए करा क्योंकि सिंपल हो गया मेरे लिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते, 5 + 5 + 8 + 3 + 6 ऐसे भी प्लस कर सकते. यहाँ मेरे को थोड़ा कंप्लीटिंग नंबर मिल रहे थे, 6 + 6 करते 12 हो जाता है, 12 + 8 करते 20 हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे करा. ओके कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे भी 6 के बाद 6 को 5 से प्लस कर सकते हो, फिर 5 को, फिर टोटल जो मिले वो 8 के साथ प्लस करो, फिर 3 के साथ, फिर 6 के साथ, वही आंसर आएगा. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए वो प्रीवियस क्वेश्चन में आई हैव टोल्ड यू राइट, यू हैव टू मार्क वो कितने ट्रैक्टर्स हैं वो आपको पहले देखना है राइट. क्यों ऐसा बोला था, यहाँ सेकेंड में आपको समझ में आएगा. सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको पिक्टोग्राम देख के आंसर देना है. फर्स्ट देखो यहाँ, वन गर्ल यानी एक गर्ल का मुंह 4 गर्ल्स के हिसाब से है. ओके 4 गर्ल्स के हिसाब से. ओके ये आपको ध्यान देना है. यहाँ अब आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा हाफ फेस, हाफ है ना, पूरा नहीं दिया हुआ है कोई केस में राइट. इसका मतलब क्या है, उसको पूरा हम 4 गर्ल्स में नहीं गिनेंगे, हाफ ही है ना. इसका मतलब हाफ हो तो एक पूरा मुंह होगा, उसका मतलब वो 4 गर्ल होगा और ये हाफ ही है. तो हाफ बाई हाफ इंटू 4 कितना होता है, 2. यानी वो 2 गर्ल के हिसाब से होगा. ओके देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स. कौन से क्लास में मिनिमम नंबर है
नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स. ओके फर्स्ट हम देखते कितने स्टूडेंट्स इसमें. सबसे मिनिमम हमें फाइंड करना है. देखो पिक्टोग्राम में आपको समझ में आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 फेस है राइट. यहाँ कितने 1 2 3 4 और ये हाफ ही है राइट. तो 4 और हाफ यानी कितना होगा. ये तो आप टोटली गिन लो. यहाँ 6 मुँह है इसका मतलब 6 × 4 कितना होता है. क्योंकि एक एक फेस कितना है 4 लड़कियों 4 गर्ल्स के हिसाब से है ना. तो यहाँ 6 फेस है इसका मतलब 6 × 4 कितना होगा टोटल 24 गर्ल्स होंगे वहाँ. ओके नाउ यहाँ देखो 1 2 3 4 यहाँ 4 गर्ल्स और ये हाफ ही है ना. तो 4 × 4 कितना होता है पहले वो गिन लो 16 राइट. और ये हाफ ही है तो हाफ को कितना होगा हाफ इंटू 4 2 जा है ना. तो हमारा यहाँ क्या है 2 यानी 16 + 2 कितना होगा 16 + 2 18 हो जाएगा. यहाँ मैं टोटल लिख देती हूँ. यहाँ 24 आया हमारा और यहाँ 18 आया. ओके अब यहाँ देखो यहाँ आपको हाफ दिया इसका मतलब क्या है वो गर्ल का 2 ही ये है आपको ऐसे समझना है. यानी एक फुल फेस होगा वो 4 गर्ल्स के हिसाब से. तो हाफ क्या हो जाएगा उसका 2 गर्ल्स के हिसाब से होगा. सिंपल है. देखो यहाँ 1 2 3 4 5 गर्ल्स है 5 फेस इसका मतलब 5 × 4 कितना होता है 20 होता है राइट. यहाँ देखो 1 2 3 और ये हाफ ही है 3 मीन्स कितना होगा 3 × 4 = 12 है ना. यानी फर्स्ट हम ये तीनों को लेते हैं 3 × 4 कितना होता है 12 होता है राइट. अब यहाँ हाफ ही है तो हाफ का हाफ इंटू 4 कितना होता है 2 × 1 = 2 × 2 = 2 यानी 2 हो गया. तो 12 + 2 कितना होता है हमारा 14. तो यहाँ 14 गर्ल्स हैं. यहाँ देखो 2 + 2 यानी 1 2 है ना 2 गर्ल्स हैं इसका मतलब 2 × 4 कितना होगा 8 होगा है ना. 2 फेस इसका मतलब 4 + 4 कितना 8 होगा. या तो आप 2 फेस है 2 × 4 करोगे तभी 8 ही आएगा है ना. अब यहाँ देखो हाफ ही है राइट. हाफ है तो इसका मतलब ये क्या होगा ये पूरा फेस नहीं है पूरा फेस होता 4 है तो हाफ होगा तो 2 होगा. तो 8 + 2 कितना होगा 10. मैंने यहाँ हाफ करा था वैसे ही आपको यहाँ भी करना है. ओके 1 2 3 4 4 है तो 4 × 4 कितना होगा 16. यहाँ देखो 1 2 3 3 × 4 12. अब यहाँ देखो यहाँ तो ई की फेस कंप्लीट है तो यहाँ 4 और ये हाफ है इसका मतलब ये क्या होगा आधा पूरा फेस 4 का है तो आधा कितना होगा 2 होगा राइट. 2 गर्ल्स के हिसाब से होगा तो ये 4 + 2 = 6. ओके अब देखो नया क्वेश्चन देखो विच क्लास हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स. सबसे मिनिमम सबसे कम स्टूडेंट्स किस में है. देखो इसमें से सबसे कम है 8 में राइट लास्ट में है ना. अब देखो इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 क्या 6 वाले लेस देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन क्लास 5 क्या 6 क्लास वाले गर्ल्स कम है 5th से. देखो 6 में कितने हैं सॉरी 6 में कितने 16 है और 5th में तो 10 ही है. तो क्या है 6 में तो ज़्यादा है लेस नहीं है तो नो होगा. क्योंकि इसमें क्या पूछा है क्या इज द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास 6 इज लेस देन नंबर ऑफ द गर्ल्स इन 5 यानी क्या 6 वाले स्टूडेंट्स कम है 5th से. तो क्या है नो आएगा आंसर क्योंकि 6th वाले 6 क्लास में 16 स्टूडेंट गर्ल्स हैं. ओके और 5th वाले 5th क्लास में 10 स्टूडेंट्स ही हैं 10 गर्ल्स ही. ओके हाउ मेनी गर्ल्स नेक्स्ट हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास कितना होगा 7 क्लास 7th में कितने गर्ल्स हैं 12 है राइट. देखो यहाँ 12 है 12 गर्ल्स हैं आंसर क्या आएगा हमारा 12. ओके ऐसे आपको इसमें बल्ब में भी फाइंड करना है. हाफ बल्ब दिया होगा तो यहाँ भी 2 बल्ब है यानी एक बल्ब टू बल्ब के हिसाब से मीन्स हाफ दिया होगा तो क्या होगा वो 1 बल्ब के हिसाब से होगा. ओके ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन द 5 विलेजेस आर एज फॉलो. विलेज ए 80 बी 120 सी 90 डी 40 ई 60. प्रिपेयर अ पिक्टोग्राम ऑफ दिस एनिमल यूजिंग वन सिंबल. पहले प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव दे हैव गिवन अ पिक्टोग्राम एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन राइट. इन दिस यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राम. इसमें आपको ड्रॉ करना है पिक्टोग्राम
ऑफ दिस एनिमल यूजिंग वन सिंबल, वो सिंबल दिखाई दे रहा है क्रॉस का, वो एक सिंबल, वन सिंबल इज रिप्रेजेंट, वन सिंबल टू रिप्रेजेंट टेन एनिमल्स, मीन्स एक सिंबल कितने एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, टेन एनिमल्स. स्टूडेंट्स आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके जस्ट क्वेश्चन को राइट डाउन करें तो आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं ये रबाउट कर दूंगी, स्पेस नहीं है इसलिए. ओके, इसलिए आप जल्दी आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोटबुक में राइट डाउन करना है. ओके ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ पिक्टोग्राम, राइट. हमें पता है क्या क्या दिया हुआ है हमें, विलेज. ओके, इन क्वेश्चन दे हैव गिवन अस विलेज. ओके, और हमें यहाँ ड्रॉ करना है कौन सा सिंबल है, क्रॉस है ना, सर्कल में क्रॉस है. हमें पता है वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स, राइट. कितने एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेन एनिमल्स.
ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अ बार ग्राफ. इसको क्या बोलते हैं हम, बार ग्राफ बोलते हैं. ओके देखो, अ बार ग्राफ गिव along side shows the amount of the wheat purchased by the government during the year 1998 and 2002. okay 1998 se 2002 mein kitne wheats ko purchased kara government ne wo aapko bataya hai. okay read the graph and write down the observation in which year was the wheat produced maximum, yani kaun se इसमें ज़्यादा, कौन से ईयर में ज़्यादा वीट को प्रोड्यूस करा है. देखो किसका सबसे लार्ज ग्राफ बार है, देखो सबसे लंबा किसका है, देखो लास्ट में 2002 का सबसे ज़्यादा है ना ऊपर, सबसे ज़्यादा किसका है 2002 का सबसे लंबा है, वो किस पे है 30 पे. यानी कब हमें तो क्या पूछा है, व्हाट द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम किस में है 2002 में. ओके इन विच ईयर पूछा है, कौन से ईयर में वीट मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन इन 2002. द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, मिनिमम कौन से उसमें है, देखो सबसे कम किस में है, देखो सबसे कम ये वाला है ना, सबसे ये तो बहुत बड़ा है, इससे भी ज़्यादा है ना, सबसे कम तो यही है, तो ये कौन से ईयर में 1998. ओके नाउ नेक्स्ट. ओके देखो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोन द सेल ऑफ द शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम द मंडे टू सैटरडे. इसमें आपको क्या दिया हुआ है, मंडे टू सैटरडे में कितने शर्ट को, कितने शर्ट सेल हो गए हैं वो बताया है. ओके देखो फर्स्ट क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबाउ ग्राफ गिव, ये ग्राफ क्या शो करता है, नंबर ऑफ द शर्ट्स सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे है ना, सेल ऑफ क्या, नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वो शो करता है, वो इंफॉर्मेशन बताता है ये ग्राफ राइट. व्हाट इज द से, व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ द शर्ट्स. ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है ना, कौन ये कितने कितने के गैप में है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, वन यूनिट लेंथ इक्वल टू फाइव शर्ट्स, मीन्स ये फाइव फाइव के गैप में राइट, तो क्या होगा वन यूनिट लेंथ इक्वल टू फाइव शर्ट्स, यहाँ लिख दो वन यूनिट इक्वल टू फाइव शर्ट्स. ओके नाउ ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड, कौन से डे में सबसे ज़्यादा, देखो सबसे लंबा किसका बार है सैटरडे वाला राइट, तो कौन सा होगा सैटरडे होगा राइट. हाउ मैनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन दैट डे, तो आपको देखना है देखो एक ग्राफ कहाँ पे कौन से लाइन में आ रहा है, देखो ये वाले लाइन में राइट है ना, 60 पे आ रहा है राइट, इसका मतलब ये सैटरडे पे ज़्यादा हो रहा, सैटरडे पे है, सैटरडे का बार ज़्यादा है और कितना है 60 पे है. ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड, सबसे कम बार किसका है, देखो ये रहा ट्यूसडे का, और वो कितने पे है 10 पे, देखो ये लाइन कहाँ जा रही है, स्टॉप करा वो लाइन 10 पे है ना, तो मिनिमम कौन से दिन है ट्यूजडे, हमें डे ही पूछा इसलिए हम डे लिखेंगे. ओके फिर क्या है, हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे कहाँ पे ये रहा थर्सडे, थर्सडे का कहाँ पे देखो, थर्सडे कितने से सेल करे पूछा है, लाइन देखो आप स्केल से भी रख के देख सकते हो. ओके वो लाइन किस पे मैच हो रहा है 35 पे, इसका मतलब क्या आएगा 35 शर्ट्स, हाउ मेनी शर्ट्स 35 शर्ट्स. ओके दिस वे यू हैव टू फाइंड. ओके ग्राफ में से ऐसे आपको आंसर को फाइंड करना है. ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अब ये वीडियो दिख रहे हो तो आप क्या करना, वीडियो को पोज करना और ये क्वेश्चन को लिख देना, क्योंकि मैं आई एम नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड बिकॉज देयर इज नो स्पेस. ओके स्पेस ज़्यादा नहीं, मुझे ग्राफ भी बनाना है तो स्पेस नहीं, इसलिए आपको, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप क्या करना ये नोटबुक में लिखना है. ओके ओके आई एम कंटिन्यूइंग विद द आंसर. ओके मैं बोर्ड पे आंसर के साथ कंटिन्यू करूंगी. ओके ओके स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज सॉरी क्वेश्चन नंबर 1. ओके मैंने आपको भी बताया था, वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ओके देखो उसमें क्या पूछा है, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड, इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक यू कैन ओपन एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1. ओके और आपके पास नहीं है तो वीडियो को पॉज करना है और आपको क्वेश्चन राइट डाउन करना है. ओके
हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रीफर्ड एक्टिविटीज दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, और बार ग्राफ में ड्रॉ करना है, और आपको नेमार लिखा हुआ है द अबव डेटा टेकिंग अ स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 1 यूनिट क्या है 5 स्टूडेंट्स के हिसाब से, राइट 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स मींस आपको 5 5 का गैप लेना है, क्योंकि आप देख सकते हो आप 45 30 20 10 15 वो सब वन से स्टार्ट करेंगे तो हम ब्लॉक ब्लैक बोर्ड से भी और जाना पड़ेगा, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे, वहां क्या 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स है, मींस आपको 5 5 यूनिट का गैप लेके करना है। अभी देखो मैं यहां 5 लिखती, 5 के बाद क्या है 10, हमें क्या मैक्सिमम कितना है इसमें 45, राइट 10 के क्लियर हो रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना, ओके।